नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित सात को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। एनओसी के बदले रिश्वत लेने का मामला पूरे प्रदेश और देश में सुर्खियां बटोर रहा है। 10 लाख की घूस के साथ पकड़े गए एनएचएआई के जीएम पीएल चौधरी समेत सात आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने हवालात भेज दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जनरल मैनेजर व प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीएल चौधरी को सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। सीबीआई ने झांसी खजुराहो प्रोजेक्ट के स्वामित्व परिवर्तन और एनओसी जारी करने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में एनएचएआई ने छतरपुर के डायरेक्टर पुरुषोत्तम लाल चौधरी, एनएचएआई के कंसल्टेंट शरद प्रकाश वर्मा, पीएनसी इंफ्राट्रेक के कर्मचारी ब्रजेश मिश्रा, शुभम जैन, अनिल जैन, सत्यनारायण अंगुलरी और प्रेम कुमार सिन्हा को सीबीआई की विशेष न्यायालय ने सभी को 2 जुलाई तक के लिए जेल अभिरक्षा में भेज दिया गया है। यहाँ पर यह बताना उल्लेखनीय है कि इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठने के बाद भी जिन अधिकारियों को लाखों रुपए वेतन सरकार देती है, इसके बाद भी इनका जमीर इतना मर चुका होता है कि ये बिना रिश्वत के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। एनएचएआई के जीएम पीएल चौधरी ने खजुराहो झांसी 4 लेन प्रोजेक्ट के फाइनल बिल और एनओसी जारी करने के बदले में रिश्वत मांगी थी और उन्हें रिश्वत मिली भी। सीबीआई ने जीएम पीएल चौधरी के साथ एनएचआईए के कंसल्टेंट और इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया है। इनके अलावा सड़क निर्माण कर रही कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रजेश मिश्रा सहित 3 अन्य कर्मचारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। कंपनी के दो डायरेक्टरों के ऊपर भी केस दर्ज किया है। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जोर दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जारी है, जिस तरीके से निर्माण कार्य हो रहे हैं, उन सारे निर्माण कार्यों में यदि प्रशासन गंभीरतापूर्वक जांच करे या अपनी पैनी नज़र रखे तो शायद ही कोई ऐसा एक केस मिलेगा जिसमें इस लेवल के अधिकारी या इंजीनियर और डायरेक्टर रिश्वत न ले रहे हों। खैर, जो भी है, सरकार ने ऐसे भ्रष्ट लोगों को पकड़ने में जो हिम्मत दिखाई है, जो ताकत दिखाई है, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है और जनता भविष्य में इसी तरीके से सीबीआई से उम्मीद करती है कि इस तरीके के जो अन्य प्रोजेक्ट देश के अंदर चल रहे हैं उन पर भी सीबीआई इसी तरीके से नज़र रखे और भ्रष्ट लोगों को गिरफ्तार कर हवालात में डाले। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद दें।